इतनी बोल्ड मूवी जो आप लेकर आ रहे हैं इसको मैं कहीं पढ़ी थी इंडियाज फर्स्ट इरोटिक ऑन स्क्रीन इरोटिक हर तरह के रिव्यूज थे. सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ मॉरल पुलिसिंग थ्रेट कॉल्स इस तरह की चीजें आई हैं मतलब अभी तक क्योंकि ये चीजें तो नहीं कुछ भी नहीं. I'm getting very positive comments and response. Like, bahut saare log, they are liking it and they are waiting to watch Hate Story releasing on 20th of April. And they are all excited. Kyunki hota hai na, aksar jara sa koi aisa. I think Gulshan is getting the threat calls. Gulshan sir, aap toh mushkil mein pad rahe hain. Yes, done. Rajasthan se aa rahe hain. Pashchim Bengal se aa rahe hain. But lekin is it true ki aapko bhi pehle aapko shayad ye wala role karna tha but you were a little scared of मतलब कि थोड़ा एक्सप्लिसिट सीन्स और उस तरह के सीन्स नहीं मुझे मालूम था कि गुलशन ऐसे काम करता है. थैंक यू सर. मुझे पश्चिम बंगाल से थ्रेट कॉल्स की कोई तो मुझे नहीं चाहिए थी वो थ्रेट कॉल्स मुझे है तो मैंने अपने सारे हिस्से की थ्रेट कॉल्स गुलशन और या कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक थ्रेट कॉल में आप मान के पहले किसी और को किसी और करने थे. हां मैं नहीं मुझे मालूम था जैसे कि मैंने कहा कि इनको एक ही थ्रेट कॉल आना था अपनी बीवी से और खास इनको दो तो आ रहे नहीं थे ये बड़े शरीफ टाइप के आदमी है तो वो पूरा पश्चिम बंगाल एक तरफ और मेरी बीवी एक तरफ तो लेकिन मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरेनर है ना. गुड गुड गुड. बट सर विवेक सर कैसा रहा ऐसे बोल्ड जो टॉपिक पे मूवी बनाना. पहले आपने दे दनादन गोल बनाई थी अब उसके बाद सडनली अब चिंता मत करिए उसकी इसमें भी उतनी गोल पड़ने वाले. चलिए सर वैसे प्रोमो से थोड़ा आइडिया लगे था थोड़ा सा पिक्चर के बारे में तो जानना जरूरी है ना मैं जनता को बताने. नहीं अब पिक्चर के बारे में तो ऐसा पिक्चर 10 दिन में आई रही है तो आप देख ही सकते हैं लेकिन ये जो फिल्म है ये बेसिकली दिल्ली में बेस्ड है और एक आज की मॉडर्न लड़की की कहानी है और जितनी भी यंग मॉडर्न लड़कियों जिनके साथ मैंने काम किया जिस तरह की लड़कियों को मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में शी इज़ वन ऑफ देम. एंड सवाल यह है कि मैं हमेशा देखता रहा कि यहाँ पे लड़कियाँ दिल्ली में जैसे ही 7 बजता है सनसेट होता है और सब डरने लगती हैं कि अब कैसे अकेले जाएं. राइट किससे डरती हैं भाई आदमियों से डरती होंगी ना तो ऐसा क्या आदमी करते हैं कि वो लड़कियां डरती हैं. दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि औरत की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उसकी बॉडी जिसको कि कोई भी असॉल्ट कर सकता है कोई भी अब्यूज कर सकता है मोलेस्ट कर सकता है. आई वोंट यूज द आर वर्ड बट आई मीन दैट्स व्हाई शी इज स्केयर्ड वरना क्यों डरेगी ऑटो में जाने में शाम को या घर से निकलने में. तो कब तक ये चलेगा समझिए एक लड़की भाई डाकुओं की भी तो कहानियां होती हैं हर पुलिस की तो नहीं कहानियां हो सकती. डाकू के साथ अत्याचार होता है वो डाकू बन जाता है तो आपको पान सिंह तो हमारा अच्छी लगी है ना कितना टैलेंटेड आदमी था. ऐसी एक टैलेंटेड लड़की है जिसकी जिसको इस तरह से अब्यूज किया जाता है कि उसकी जो सारी गिफ्ट गॉड ने उसको वुमनहुड की दी है वही जब उसके पास नहीं रहती देन शी टेक्स ऑन द दिस थिंग शी सेज ओके मेरी अगर जो बॉडी वीक थी अब इसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करूंगी एंड शी किक्स द बॉल्स ऑफ द गाय. वो पोस्टर भी आई थिंक इट सेज इट ऑल मतलब जो आपके पोस्टर आल्सो हैज बीन इन द न्यूज़ और 10 करोड़ में बिका है और ये और रोज़ रोज़ न्यूज़ फ्लैशेस आते रहते हैं अलग-अलग कितने में बिका है कितने में नहीं बिका वो बात नहीं करेंगे. वो तो अब आप बताओगे. देखिए कोई फिल्म कितने में भी बिक जाए कई फिल्में जैसे बनती है लोग कहते हैं अरे 50 में बिकी 50 में बनी 150 में बिक गई. सवाल वो नहीं होता है सवाल ये है कि फिल्म में जो भी जुड़ा हुआ है लास्ट मैन तक जो कि आपकी ऑडियंस है वहां तक सबको पे ऑफ मिलना चाहिए सब विन विन सिचुएशन होनी चाहिए देन ओनली अ फिल्म इज सक्सेसफुल. क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ कर दी फिल्म नहीं चली आपकी बॉक्स ऑफिस में सबके पैसे डूब गए आपकी फिल्म की बहुत आपने बहुत पैसे कमाए लेकिन आपकी दुनिया भर में थू हो गई कोई मतलब नहीं ऑडियंस आपको गाली दे रही है हाइप में आपकी फिल्म चल गई मतलब नहीं. आई वॉन्ट ऑडियंस टू एंजॉय दिस फिल्म एंड वी हैव ट्राई टू मेक एन एंटरटेनिंग येट अ फिल्म विद वेरी वेरी न्यू डायमेंशन टू हाउ अ रिवेंज कैन बी टेकन. पैसा वसूल एंटरटेनमेंट घर कुछ लेकर जाए इंसान. अब पैसा वसूल यानी जिस तरह से हम टर्म यूज करते हैं उस तरह से नहीं पर हाँ वैल्यू फॉर मनी यस. जी जी. तो पौली कैसा रहा पहली आपकी हिंदी मूवी है बंगाली में तो आप काफी वहां पे बंगाल में तो काफी फेमस है ऑलरेडी. इनफैक्ट मैं आई वाज रीडिंग समवेयर के आपको बंगाल की स्मिता पाटिल भी कई लोग कहते हैं सो एक्सपीरियंस कैसा रहा. बहुत बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड में वो भी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है रिवेंज ड्रामा है इमोशनल फिल्म है बोल्ड फिल्म है मीन्स हर तरह की जो मसाला होना चाहिए एक बॉलीवुड फिल्म में वो सब है. विवेक जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. लड़कों से पूछिए इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. इनका तो बहुत अच्छा ना गुलशन में निखिल से पूछिए काम कर निखिल. मैं तो कह ही रहा हूं कि असली स्टार तो वो है लोग तो ऐसी पॉली के समझ रहे हैं असली स्टार तो वो बैठे हुए हैं टोपी मेरे को उनको पहले से टोपी पहने बैठे हैं कोई टोपी नहीं पहने जाएगा से.
And no, jokes apart, I really enjoyed working in Hate Story. It's a multi-dimensional character, bahut challenging role raha, and bahut performance ki bhi bahut jagah rahi. Means I had immense scope of performance, and I loved it, like with them, Gulshan, Nikhil, everybody. Thanks for bearing with me. अगर वो phone call नहीं आता ना तो कुछ और ही होता. कौन सा phone call? पश्चिम बंगाल से. अच्छा कभी ऐसा लगा कि डर वर लगा कि यार सीन करते करते कहीं पॉली चौंकाना मार देंगे? डर इस बात का नहीं था, डर इस बात का था कि एम्बेरेसमेंट ना हो जाए, क्योंकि मैं भी पहली बार ये सब बोल्ड चीजें कर रहा था. हाँ तो बोल दिया मैंने करेजियसली. विवेक जी ने कहा देखो बेटा थोड़ा सा यू विल हैव टू बी अनइनहिबिटेड. हाँ हाँ हो जाएगा. प्रधान की दिखा दी वहां पे. बाद में लगा के कैसे करेंगे यार, अंग्रेजी फिल्मों में कैसे करते हैं, आई डोंट नो हाउ दे डू इट. तो मैं बात करने लगा, अपनी बीवी से बात कर रहा था कि यू हैव एनी आइडिया. अच्छा और ये पहला हीरो जो रोमांटिक सीन करने के लिए बीवी से सिलेक्शन है, क्योंकि ये बचपन में नहीं है. ये बचपन में उसी तरह की अंग्रेजी फिल्में देख-देख के ने सोचा था एक दिन हीरो बनूंगा. और जब वो मौका सामने खड़ा, जैसे कई लोग हैं मेरे को बताते हैं कि बच्चन साहब के साथ एक्टिंग करने का यही सोच के मैं हीरो बना. जैसे ही बच्चन साहब सामने खड़े हुए तो लोग डायलॉग ही भूल जाते हैं. सर सेंसर ने कभी दिक्कत नहीं की, कोई दिक्कत आई? नहीं नहीं, अगर आप जब रेवोल्यूशनरी थॉट लेके आते हैं, देखिए विक्रम ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी बड़ा रेवोल्यूशनरी थॉट है. उसको देखने के दो नजरिए हैं. एक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ चलिए एक डाकू की कहानी है, राइट. लेकिन जब वो डाकू एक पर्पस के साथ कुछ करता है एंड यू कनेक्ट विद दैट, आप कहते हैं हाँ इसके साथ इनजस्टिस हुई है. और यही तरीका क्या होता है फिल्मों में, एक नॉर्मल जिंदगी में तो क्या होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं, एक जस्टिस सिस्टम है. लेकिन अगर ऐसा होता तो लोगों का कत्ल क्यों करते, लोगों को मारते क्यों? क्योंकि लोग पर्सनल जस्टिस की राह में निकलते हैं. और पर्सनल जस्टिस की राह में वो लोग निकलते हैं जिनको ये समझ में आ जाता है मुझे दुनिया में कहीं और से जस्टिस मिल नहीं सकती है. तो ये कहानी भी उसी तरह की, आप ये समझिए इट्स नॉट अ विलेज स्टोरी, इट्स एन अर्बन स्टोरी. विलेज में जमींदार आपको एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ पे आपको जमींदार नहीं करेगा, आपको अलग तरह के जमींदार लोग करेंगे. पौली आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द वुमेन शुड कम एंड वॉच, इट्स फॉर देम. Because after all, it means this film is about the struggle of a girl or power of a girl. Wo kaise ek simple ladki se, how she becomes a very powerful girl, very powerful lady. Why she becomes, why she had to do it. It's about a woman, it's about a girl.